हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि इस समय डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिवाइन आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। सबसे ज़्यादा क्या है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाने वाले हैं आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर गाइड करेगी आपको कि ये मैसेज कहाँ जाने हैं, किस तरफ लेने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। एंजल स्पिरिट गाइस, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें है अभी जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके। ओह माय गॉड, कितने रिलेटेबल कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। आई थिंक मैंने सेजिटेरियस की रीडिंग करी थी जुलाई मंथ की, समथिंग उसी से कनेक्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना सेजिटेरियस, आप लोगों की ऊर्जा पता है क्या है, ओके, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय या तो आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो या निकलने वाले हो, मतलब आप ना जैसे रेडी हो, आप किसी फैसले के लिए मतलब फैसले का वेट कर रहे हो या फिर वो फैसला हो चुका है, मतलब जिसे कहते हैं कि बस आपको ना अब इस पॉइंट पर, क्योंकि आपकी ऊर्जा है अब आपको जस्टिस चाहिए। ये कोई लीगल मैटर चल रहा हो सकता है उसमें, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ का कोई भी एरिया या ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब आपको ना बस अब अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, जस्टिस चाहिए। जिसने कहते हैं ना डेविल की ऊर्जा है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल रेडी हो, जिसने मेरे साथ जो करा उसको उसका फल देने के लिए, ठीक है। आप वहाँ पर ना वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हो, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ की जो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स हैं, ओके, या फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हो। जैसे कि जो भी फैसला है, जो भी कुछ हो रहा है आपके लिए तो फ्रूटफुल है, और आप दूसरों के साथ या तो न्याय कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने खुद के साथ न्याय कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना टिट फॉर टैट करना, अब उनका वक्त आ गया है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कि जो लोग आपको या जो सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही थी ना, अब आप उनको कंट्रोल कर रहे हो कि अच्छा जी आ जाओ अब देखते हैं, वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। कहने का मतलब किसी भी एक लेवल पर ना ये मुझे एक नई शुरुआत लग रही है, ओके। और मुझे ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, ये किसी का रिश्ता हो सकता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देखिए गाइस, जर्नल रीडिंग है, आप किस तरीके से उस मैसेज को अपनी सिचुएशन में देख रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। अगर कहीं कोई आप किसी रिलेशनशिप में अब्यूज़ था कुछ, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इशू था, ठीक है, वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब
कुछ फैसला आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जैसे सॉर्ट हो रही हैं, एक क्या मैं बोलूँ, वो जिसे कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकल रहा है, बैलेंस्ड। ये सिर्फ मैं टेम्परेरी बेसिस पर नहीं बता रही हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकल रहा है, काम चलाना है, नहीं। कहने का मतलब कोई बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन या फिर हुआ है आपकी तरफ, ओके। कोई बीच का रास्ता बहुत ही बैलेंस्ड हुआ है अभी, ओके। होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक नई एनर्जीज है, और ये वैसी नहीं है कि कुछ रूड है, कुछ आगे कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खासकर ये कोई रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, कुछ ना कुछ जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिससे कि आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट कर रही थी। अभी तो ये पूरी वो एनर्जीज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी घर बना हुआ है, जैसे कि दोबारा से कोई एक नई शुरुआत करना। दोबारा से इसलिए बोल रही हूँ, आपके माइंड सेट में भी यहाँ पर आए ना, जजमेंट हो चुका, रिजल्ट आ चुका, ये वो एनर्जीज है। और आप अब बहुत हैप्पी हो इस जजमेंट से, बहुत खुश हो। ये जो भी आया है आपकी तरफ, जो भी नई शुरुआत हुई आपके जीवन में, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, आप उससे बहुत खुश हो, उसको लेकर के बहुत पैशनेट हो। आप भी उस शुरुआत को अब करना चाहते थे, ठीक है, और वो जजमेंट आ चुका है, जिससे आप, आपका परिवार, आपकी फैमिली, बच्चे, जो भी मतलब इन्वॉल्व है बेसिकली आपकी फैमिली में, वो सब बहुत खुश हैं। यहाँ पर वो ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ, सेजिटेरियस। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, ये मैसेज, ये मैंने आपकी ऊर्जा इसलिए भी निकाली थी कि इससे आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ कि हाँ, ये रीडिंग आपकी तरफ जा रही है, ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए इस समय डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। सेजिटेरियस, थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ बताएं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, सेजिटेरियस, जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या जानना उनके लिए समय जरूरी है, क्या आप उनको बताना चाहते हैं। फॉलो ट्रेवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड, ओके। और डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, और ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ओके। एक एक कार्ड में और लेती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, यस, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवन विद हैप्पीनेस, एग्जैक्टली। देखो, एक बात यहाँ पर बताती हूँ, स्टेइंग फोकस्ड, सेजिटेरियस, आपके, आपको जो इस समय डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो कार्ड्स मुझे आपके बता रहे हैं कि इस समय ये जो भी, ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। हो सकता है, देखो मुझे यहाँ पर तो आप बहुत हैप्पी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, आप अपनी तरफ से बहुत खुश हो ये जो भी चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, दिमाग में कुछ है खिटक एक, ये आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी हुआ है, ठीक है। पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, सिचुएशन बहुत टॉक्सिक थी, पर अभी चीज़ें बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन वो क्या है ना, डिस्टेंट थंडर का आया है, क्लियर द एयर, कि आपके दिमाग में, आपके विचारों में तो कुछ ऐसा चल रहा है ना, कहीं आगे जा कर के फिर वैसी स्थिति ना हो जाए। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ये रीडिंग करी है आप लोगों की, माई डियर, आप एक बार ना ज़रूर ये जुलाई मंथ की सेजिटेरियस की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने ये रीडिंग करी है, ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, मैं आके रीडिंग कर चुकी हूँ ये, और वही एग्जैक्टली मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको सोचना नहीं, आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है। आपके दिमाग में फिर भी विचार आएंगे, क्योंकि माइंड है ना, विचार तो आते ही हैं, मन क्या है, यूँ बदलता है, एक सेकंड के अंदर बदलाव होते हैं, ठीक है। अभी आपको सामने वाला पर्सन अच्छा दिख रहा होगा, उसकी कुछ हरकत ऐसी हुई, अभी माइंड चला आपका, तुरंत आप उसके लिए बदल गए कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसी में कुछ दिक्कत है, अभी अच्छा, अभी ये पर्सन ठीक था, अभी कुछ गलत हो गया। तो विचार आपके बड़े, विचार सबके बहुत जल्दी बदलते हैं, माइंड जो है फ्लक्चुएट होता है। आपको बोला जा रहा है, ये जो भी आपकी तरफ डिसीज़न लिया गया है, ये जो भी डिवाइन ने आपके लिए न्याय किया है, ये जिस भी नए पाथ की तरफ आप आगे बढ़े हो, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये जो न्यू स्टार्ट आपके जीवन में हुआ है ना, उसको लेकर के आपको इतना सा भी डाउट नहीं करना है, उसके लिए नेगेटिव आपको नहीं सोचना है।
बस आपको ये देखना है कि किस तरह से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। बस हर वक्त यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो चेंज आपके लिए आया है ना, डिवाइन को थैंक यू बोलिए। डिवाइन के प्रति, उस सोर्स के प्रति, जो भी कनेक्शन, जो भी आप उनको नाम देते हैं ना, उनके प्रति थैंकफुल रहिए, उनको थैंक यू बोलिए। अच्छी चीज़ों को देखिए, ऐसे थॉट्स में नहीं जाना है कि मेरे जीवन में दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा से कुछ केओस हो जाएगा, फिर से वो चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। इससे अच्छा आपको अपने जीवन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लेकर के, जो अभी आपके साथ ये जो बदलाव हुए हैं आपके जीवन में, उसको लेकर के डिवाइन को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए और अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बस आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा इस बदलाव के बाद। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। अब आपको जो एनर्जीज हैं सपोर्ट ही करेंगी, आपको आपके साथ अब जो लोग जुड़े हैं वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं इसे, रेनबो है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ब्लेसिंग है आपके जीवन में, आप उन्हें अपने जीवन में ला रहे हो। तो अब आपको जो है नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव मत सोचिए। और हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ये बदलाव आ रहा हो और आपके अंदर विचार चल रहे हो, कुछ लोगों के जीवन में आ चुका है और कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है, तो आपको ना ऐसा लग रहा है कि ओहो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब आगे जाकर के पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो विचारों में बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है ठीक है, आपके लिए अगर ये रिस्क होता है, रिस्क है तो ले लो, उस सोर्स के नाम पर एक रिस्क ले लो, डिवाइन के नाम पर एक रिस्क ले लो। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, विश्वास रखते हो ना उन पर, उनके नाम पर ये रिस्क ले लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा आगे, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव है आपके जीवन में बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है। तो ग्रेटफुल रहो डिवाइन की तरफ, उनको ग्रेटिट्यूड पे करो, थैंक यू बोलो उनको कि थैंक यू ये बदलाव लाने के लिए। इसमें भी नेगेटिविटी मत ढूंढो, क्योंकि नेगेटिविटी तो क्या है ना, दिमाग तो हमें कंट्रोल करता है नेगेटिविटी। जब हम लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, रोशनी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं ना, तो काली छाया आकर के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। काली छाया तो नेगेटिविटी तो हर वक्त रहती है। अगर आप देखेंगे जब सन भी निकलता है तो हमारी खुद की परछाई होती है ना, कौन सी होती है, ब्लैक कलर की तो होती है। तो काली छाया कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ रोशनी है वहाँ ये भी ऊर्जा आएगी, आपको दबाएगी, आपको मतलब डाउट्स में लेकर के जाएगी, पर आपको इसके अंदर नहीं आना है, ओके। जो आपके साथ हो रहा है, जिस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है, जो नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ आगे बढ़िए पॉजिटिवली, ओके। तो यस माय डियर सेजिटेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।